देश में बिजली संकट, या यूं कहें कि कोयला संकट, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मई के महीने की तपती लू ने भी बिजली की डिमांड को और बढ़ा दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी सियासी गर्मी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने कोयला आपूर्ति के नाम पर कई यात्री ट्रेन रद्द कर दिए हैं। हालांकि कुछ ट्रेनों को राज्य सरकारों के विरोध के बाद बहाल कर दिया गया है। क्या हकीकत में देश में कोयला संकट है? क्या बिजली कटौती का मुख्य कारण कोयला संकट ही है, या कुछ और ही है इसके पीछे की कहानी? आप भी अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। देश में इस वक्त बिजली और कोयला संकट का मामला जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि बिजली कटौती और कोयला संकट का मुख्य कारण विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सरकारों द्वारा मुफ्त बिजली देना है। अगर सरकारों द्वारा मुफ्त बिजली देने का दावा बिजली संकट की मुख्य वजह होती है तो यह देश के सामने और भी बड़ी समस्या है, और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बिजली संकट से भी बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है, जिसके सामने कोयला और बिजली संकट तो कुछ भी नहीं है। वो कौन सी समस्या है जिसे देश के आम नागरिकों को सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, इसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कोयला संकट पर। आखिर देश में कोयला संकट क्यों है? तो दरअसल साथियों, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो कोयला संकट की असली वजह निजीकरण है। ये निजीकरण का ही परिणाम है कि इन आग उगलते दिनों में देश की जनता को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि निजीकरण बिजली संकट के लिए क्यों जिम्मेदार है। इसे समझने के लिए पहले आप आज दैनिक भास्कर अखबार में छपी इस खबर को समझिए, जिसे संक्षिप्त में मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। दैनिक भास्कर में छपा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनियों पर 11,240 करोड़ रुपए बकाया है, नहीं वसूल पा रही है कोल इंडिया। अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड के 11,240 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे ये विभिन्न राज्यों की कंपनियां नहीं चुका पा रही हैं। आपको बता दें, कोल इंडिया लिमिटेड CIL केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी है। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड विभिन्न बिजली उत्पादक संयंत्रों को कोयला भी उपलब्ध कराता है। इसी कोयले का 11,240 करोड़ रुपए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों पर बकाया है। साथियों, आपको बताते चलें कि विभिन्न राज्यों में आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है वो तीन श्रेणी की कंपनियों द्वारा पहुंचती है। पहली श्रेणी की कंपनी में बिजली उत्पादन करती हैं, यानी कि जो पहली श्रेणी कंपनियां हैं उनका काम होता है बिजली उत्पादन करना। दूसरी श्रेणी की कंपनियां बिजली उत्पादक कंपनियों से आपके क्षेत्र तक बिजली को पहुंचाने का कार्य करती हैं, और तीसरी और सबसे लास्ट स्तर की कंपनी आपके घर, मकान और गांव तक विद्युत वितरण का कार्य करती हैं और आपसे बिल के रूप में पैसे भी लेती हैं। यह आपको ये भी बताते चलें कि इन विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार ने निजी हाथों में दे दिया है या ठेके पर दे दिया है। जैसे कि महाराष्ट्र में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, टाटा पावर मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन आदि। साथियों, अब तक आप कुछ समझे या नहीं? नहीं समझे कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। जो वितरण करने वाली कंपनी है वो उपभोक्ताओं से बिल के रूप में राशि एकत्रित करती हैं। उस राशि को या तो वो सीधे सरकार के खाते में पहुंचाती हैं या फिर उत्पादक कंपनियों को। और दैनिक भास्कर में छपी खबर का सार क्या है? विद्युत उत्पादक कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड का 11,240 करोड़ रुपए बकाया है। अर्थात तमाम निजी या ठेके पर दी हुई कंपनियों ने विद्युत उत्पादक कंपनियों को
उपभोक्ताओं से बिल के नाम पर एकत्रित की गई राशि को नहीं पहुंचाया है। शायद इसीलिए आज देश की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की यह दुर्दशा है। इसी कारण कोल इंडिया लिमिटेड का इन कंपनियों पर बकाया है। साथियों, आपको ये भी बताते चले हैं कि क्या हकीकत में देश में बिजली संकट है। तो साथियों, आपको बता दूं कि देश में बिजली संकट से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी सरकार को अपनी बदनामी कराने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर जो कुछ छुपा हुआ है वो सिर्फ इतना सा है कि आखिर कोल इंडिया लिमिटेड पर इन बिजली उत्पादक संयंत्रों पर बकाया क्यों है। ये तमाम बिजली उत्पादक संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड का बकाया क्यों नहीं दे पा रहे हैं। बिजली वितरण का काम जो विभिन्न कंपनियां निजी तौर पर कर रही हैं, कहीं वो देश की जनता को, देश की सरकार को कोई आर्थिक घोटाला तो नहीं करने वाली हैं। ये सोचने वाली बात है और इसको और भी समझना पड़ेगा। तो साथियों, बात करते हैं कि बिजली संकट से भी बड़ी वो कौन सी समस्या है जिसका सामना अभी आने वाले दिनों में देश की जनता को करना पड़ेगा। तो साथियों, आपको बता दूं, वो है अनाज की समस्या। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश की तमाम सरकारें और विपक्ष कह रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि देश में बिजली संकट का मुख्य कारण कई राज्यों द्वारा फ्री बिजली देना बताया जा रहा है। इसी क्रम में मैं अगर आगे बात करूं कि विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने तो फ्री अनाज बांटने का भी फैसला लिया है और अनाज बांट भी रहे हैं, तो क्या देश में अनाज संकट भी आएगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल अनाज संकट आ सकता है, और उसका कारण फ्री राशन देना नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियां हैं। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में अनाज की डिमांड बढ़ गई है, खास करके गेहूं की डिमांड विदेशों में बढ़ गई है, और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन दोनों ही देश गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश थे। अब इस वक्त पर रूस यूक्रेन दोनों देशों को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद नंबर आता है भारत का। भारत की स्थिति यह है कि जो सरकारी मंडियां हैं वहां पर अनाज न के बराबर खरीदारी की जा रही है। सारा का सारा अनाज जिसमें गेहूं मुख्य रूप से है, उसका निजी व्यापारी खरीद कर विदेश में निर्यात कर रहे हैं और सरकार उस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। आपको याद होगा कि श्रीलंका में भी क्या हुआ था। श्रीलंका में सबसे पहले बिजली और कोयला संकट ही आया था, उसके बाद में खाने पीने की चीज किस तरह से चरम सीमा पर उनकी महंगाई पहुंच चुकी थी, ये आपसे छुपा नहीं है। किस तरह से दूध की रेट आसमान को छू रही है, किस तरह से सब्जी और फल आम इंसान को मिलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे हालात कहीं देश में ना बन जाए, ये सोचने वाली बात है और इस पर विचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार अगर इस गेहूं के निर्यात पर कोई प्रभावी नियम नहीं बनाती है तो इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि देश को आने वाले समय में अनाज संकट से सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।